नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए जो मूड माहौल है मार्केट्स का, ग्लोबल मार्केट्स का खासतौर पे, वो बेहतर नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि कल अगर आप देखें, डाउ जोन्स ऊपरी स्तरों से 550 अंकों से ज्यादा गिरकर बिल्कुल सपाट बंद होता हुआ दिखा। नैसडैक भी आप देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी शेयरों में पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छे गेंस बन रहे थे, वो कहीं ना कहीं फिजल आउट। 2% के आसपास की गिरावट वहां भी देखने को मिली। और आज आप देखिए, उसका जो इम्पैक्ट है वो एशियन मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि नैसडैक 2% से ज्यादा गिरना, ये अपने आप में काफी बड़ी दिक्कत की बात है, जो कि लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहा था। तो डाउ फ्यूचर्स जरूर 70 अंक ऊपर है, लेकिन ज्यादातर एशियन मार्केट्स आप देखिए, चाइना की बाजार छोड़ दीजिए, बाकी तमाम मार्केट्स आपको लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। जापान का बाजार 150 अंक नीचे है, 200 अंकों की गिरावट हैंगसेंग में है। और एसडीएक्स निफ्टी भी करीब 40 अंकों के आसपास की गिरावट शो कर रहा है, 10,770 के आसपास के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबली अगर आप देखिए, जो संकेत है वो तो खराब है। डिटेल्स क्या है कुशल, आप भी बताइए, और साथ ही साथ कल के परफॉर्मेंस भी ऐड कीजिएगा। बिल्कुल संदीप, अभी जो मूड माहौल है ना, उसमें आई थिंक ये फाइट चल रही है दोनों पक्षों के बीच। एक तो ये है कि कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है वो एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष जो है वो वैक्सीन की जो भी खबरें आ रही है उस पर मार्केट्स रिएक्ट कर रहा है। तो अब आज के सेटअप के हिसाब से कहीं ना कहीं जो बन रहा है वो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस जो है, जो लगाई गई है फ्रेश कैलिफोर्निया में, उसकी तरफ झुकाव ज्यादा है। इनफैक्ट मार्केट्स की तरफ से भी देखें तो ऊपरी स्तरों से 550 अंक डाउ जोन्स लुढ़कता हुआ नजर आया था कल के मार्केट्स में। और ये न्यूज आने के बाद तो डेफिनेटली जो है आपको मार्केट्स में कल के सत्र में गिरावट देखने को मिली। हालांकि यूरोप से सरप्राइज फैक्टर है, कल के सत्र में भी करीब 1.25% की तेजी के साथ ही तमाम इंडिसेस जो है यूरोप में बंद होते हुए नजर आए। पर एशिया, जैसा कि हम देख रहे हैं सिंगापुर के जो इकोनॉमी के आंकड़े आए हैं, वहां पर भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। मे बी उसलिए जो है एशियन मार्केट्स हमें वीक लग रहे हैं। तो ग्लोबल सेटअप जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर नजर आ रहा है। देखना होगा कि आज इंडियन मार्केट जो है कैसा रिएक्ट करते हुए दिखते हैं। बहरहाल कल के सत्र में जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे उस पर चर्चा करते हैं। जो परफॉर्मेंस रहे वहां पर अगर आप देखें तो कल का स्टार परफॉर्मर मेरी लिस्ट में था भारत फोर्ज का। आप देखिए जिस हिसाब से एफपीआई होल्डिंग बढ़ी थी ओवर लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो मैंने आपको डिटेल्स बताए थे, और साथ ही जेफरीज की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद 5.5-6% तक का उछाल, और इकलौता आउट परफॉर्मर था ऑटो इंडेक्स में कल के सत्र में। साथ ही ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। डिक्सन टेक अगर आप देखें तो जो इंडिकेटिव मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उससे भी करीब 80-90 अंक जो है ऊपर चढ़कर जो है इसने हाई लगाए थे। साथ ही BHEL यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे, और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स भी अगर आप देखें तो ये भी ऑलमोस्ट अपने हाई जो मैंने आपको टारगेट दिए थे टच करता हुआ नजर आया था। 1599 के टारगेट, 1600 का टारगेट आपको दिया था, 1599 का हाई इसने बनाया था। और एक्साइड इंडस्ट्रीज है यहाँ पर भी परफॉर्मेंस जो है 1.5-2% की तेजी डायरेक्शनली जो है ये सही साबित होता हुआ दिखा। संदीप आपके कैसे सेटअप परफॉर्मेंस दिखा? कुशल कल मेरे जो लिस्ट है उसमें मैंने आपको जो खरीदारी के ट्रेड से सारे बताए थे उसमें से 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनके टारगेट्स कल के सेशन में हिट होते हुए दिखे हैं। बायोकॉन अगर आप देखें तो शुरुआती मजबूती काफ़ी ज़्यादा थी, हालांकि बाद में ऊपर से फिजल आउट हुआ, लेकिन 455 के हाई इसने बनाई, मैंने आपको 425 का ही लक्ष्य दिया था। क्लेरेंट केमिकल कल आपको याद होगा स्पेशल डिविडेंड के चलते स्टॉक आपको सुझाया गया था, 20% के ऊपरी सर्किट पर स्टॉक जाके बंद हुआ, और 583.55 ये इसका हाई है जो कि इसने कल के सेशन में छुआ, मैंने आपको 510 के ही टारगेट दिए थे। सीक्वेंट साइंटिफिक देखिए 13% का अपमूव कल इस स्टॉक में देखने को मिला, ये फंड की ओर से बाइंग हो रही है, उस वजह से हम देखा कि कल एक एक्शन देखने को मिला। हालांकि ये कई बार बाइंग हुई है लेकिन कल के सेशन में आप देखिए आपको जो बताया गया था स्टॉक उसके बाद 13% का उछाल, 109 तक के हाई बनाया इसने, मैंने आपको 95.5 का लक्ष्य दिया था। टाइटन ये भी 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ, इसमें टारगेट तो हिट नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शनली ये पॉजिटिव था, 985 का लक्ष्य था, 976 के आसपास के हाई इसने बनाए। और GSFC इसमें टारगेट हिट हुआ, 63.10 रुपये का हाई था, मैंने 62.80 का टारगेट दिया था, और 1% की मजबूती के साथ ही ये स्टॉक कल के सेशन में बंद होता हुआ दिखा। तो 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनके टारगेट हिट हुए या तो फिर डायरेक्शनली वो पॉजिटिव होते हुए दिखे थे। तो कल 10 के 10 खरीदारी के ट्रेड से कुछ, लेकिन आज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सारे बिकवाली के ट्रेड से, केवल 2 स्टॉक ऐसे हैं जो खबरों के चलते मैंने आपको खरीदारी के तौर पे बताऊंगा, लेकिन 8 स्टॉक मेरी लिस्ट में आज बिकवाली के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत में करना चाहूंगा 2 बैंकों के साथ, प्राइवेट बैंक्स के साथ, खासतौर पे बंधन बैंक और RBL बैंक, ये दोनों स्टॉक्स आज बिकवाली की चपेट में आ सकते हैं। इनफैक्ट कल भी आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर था, आज भी प्रेशर रह सकता है। 2-3 वजह है जिस वजह से मैं इनफैक्ट कुशल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ, खासतौर पर बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम्स के ऊपर। पहली बात तो
कल हमने हाईलाइट किया भी था कुशल, आपको याद होगा जो शनिवार को आरबीआई गवर्नर की स्पीच थी उसमें 2-3 पॉइंट्स खास तौर पर उन्होंने हाईलाइट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहली बात तो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो बैंकों के एनपीएस हैं उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ दिख सकता है। दूसरी बात ये भी है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो एनबीएफसीज हैं उनको लेके जो सिचुएशन है वो काफ़ी अनसर्टेन है, और खासतौर पे मीडियम टर्म को लेके जो आउटलुक है उसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित हैं। तो उस लिहाज से दिक्कत की बात यह है कि बैंकों में अब इतना सर्टेन कर ही नहीं किया नहीं जा सकता कि जो सिचुएशन है वो कितनी लंबी चलेगी, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक दिमाग में फियर ये भी चल रहा है बैक ऑफ द माइंड कि ये जो मॉरेटोरियम की लिमिट्स हैं शायद उन्हें दिसंबर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। पिछले हफ्ते से ये खबरें चल रही हैं लेकिन फिर भी उस पर कोई स्पष्टता तो नहीं आई है, लेकिन एक डर जरूर बना हुआ है बैंकों को लेकर। दूसरी बात है, जिस तरह से कोरोना को लेकर जो मामले बढ़ रहे हैं, कैलिफोर्निया में कल जो एक आंशिक लॉकडाउन फिर से लगाया गया है, उससे आप समझ सकते हैं कि अगर यूएस में ऐसा हो रहा है, दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो बाकी देशों में, बाकी जो ऐसे इंपैक्टेड देश हैं वहाँ पे किस तरह का मूड माहौल बनता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कल के सेशन में एक ट्रेलर था केवल जो गिरावट हुई थी, जो ईडियाज कल के सेशन में जिस तरह से क्लोज हुए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का फियर है मार्केट्स में। मुझे लगता है कि बंधन बैंक आरबीएल इनकी तो आप देखें मॉनिटरिंग की बुक भी काफ़ी बड़ी है, 360 ये बंधन बैंक का टारगेट है, 375 का स्टॉप लॉस रखें। आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स में शॉर्ट करें तो 172 आपका टारगेट है, 180 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल, आपकी लिस्ट में कितने भी क्वालिटी के ट्रेड्स हैं? बिल्कुल संदीप, तो कुल मिलाकर आज हम 17 स्टॉक्स जो है वो बिकवाली के और 3 स्टॉक्स खरीदारी के। आपने 2 खरीदारी आप बताने वाले हैं खरीदारी के स्टॉक्स, और मैं 1 स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है परचेजिंग के हिसाब से। तो मेरी सूची में 9 स्टॉक्स बिकवाली के हैं, जिसमें पहले जो 2 स्टॉक्स हैं वो इकोनॉमी से जुड़े हैं। आप देखिए जिस हिसाब से कैलिफोर्निया में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है और फ्लोरिडा में भी जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, यूएस में इसका जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस हिसाब से लॉकडाउन एक्सटेंड किए जा रहे हैं और सख्ती जो है दोबारा से लौट रही है। तो भारत में भी जिस हिसाब से केसेस की ग्रोथ है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी ये इम्पैक्ट हो सकता है, और खासकर अगर मैं इंडिगो की बात करूँ तो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो तो हो सकता है कि और भी आगे जो है टलती हुई नजर आए। वो कब ऑपरेशन उसके शुरू होंगे अब इस पर क्लैरिटी जो है कहीं ना कहीं और इनफैक्ट जो है फेड होती भी नजर आ रही है, इनफैक्ट आप इसको ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ पर इसलिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि इंडिगो जो है आज के सत्र में आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए जिस हिसाब से मूड माहौल है। तो इंडिगो के फ्यूचर्स बेच के चले 985 के टारगेट के लिए, 1035 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही पीवीआर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया में जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है उसमें सिनेमा घरों को भी बंद किया गया है, तो यहाँ पर जिस हिसाब से अभी भारत में मूड माहौल है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो भी डेट्स एक्सपेक्टेड थी कि अगस्त फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक खुलने की बातें चल रही थी वो हो सकता है कि और भी आगे टलती हुई नजर आए जिस हिसाब से भारत में भी मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीवीआर के स्टॉक को भी आप आज के लिए शॉर्ट कर चले, 1010 का लक्ष्य रखिए, 1060 का आपको स्टॉप लॉस लगाना। पीवीआर तो लंबे समय से मैं इस पे शॉर्ट हूँ, मुझे तो लग रहा है कुशल ये 1000 के ऊपर सस्टेन ही कैसे कर सकता है, मुझे तो 750-800 तक के लेवल्स भी इसमें सस्टेनेबल नज़र नहीं आते। खैर मैं तो कहूँगा कि आपने जो 9 स्टॉक्स बिकवाली की बात करी है थोड़ा मेरा भी भरोसा बढ़ गया, मैं सोचा था मैं ज़्यादा ही बेरिश हूँ, मैंने 8 बिकवाली के ट्रेड्स आज बताए हैं। बहरहाल जो अगले 2 स्टॉक मेरी लिस्ट में वो भी प्राइवेट बैंक्स हैं और वो दिग्गज हैं, जिसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, कल तो इनके ADR भी आप देखिए 3-4% लुढ़क के बंद हुए हैं। कल आप देखिए पहला जो वीकनेस का इंडिकेशन है वो HDFC बैंक में साफ तौर पे देखने को मिला था, हालांकि इनके कुछ ऑटो फाइनेंसिंग यूनिट जो है उसको ले उसमें कुछ गड़बड़ियों की बातचीत थी, शायद कुछ जांच करेंगे उसका इंपैक्ट था। लेकिन आज कुशल देखिए एक चीज़ जो मैं आपको अभी तक नहीं बताई है वो है WHO की जो वार्निंग आई है कल के सेशन में। आप देखिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ संकट है ये आगे जाके और गहराता हुआ दिखेगा, उनको लगता है कि और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेगी, ऐसी वार्निंग उन्होंने कल के सेशन में जारी करी है। और बहुत जल्द चीज़ें सामान्य हो जाएंगी बहुत छोटी अवधि में, ऐसी उम्मीद उन्होंने बिल्कुल नहीं जताई। उनका तो ये भी कहना है कि कई सारे ऐसे देश हैं जो कि शायद गलत दिशा में जा रहे हैं, इस पैंडेमिक ये जो पूरी महामारी फैल रही है उसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं और किस दिशा में काम करना है वो भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी वार्निंग है। कल का जो लॉकडाउन है कैलिफोर्निया में आंशिक जो लॉकडाउन हुआ है वो कहीं ना कहीं क्लब हो जाता है WHO की वार्निंग के साथ, जिसमें आपको साफ तौर पे ये पढ़ना चाहिए कि दिक्कतें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, वैक्सीन्स की बातें चल रही हैं, जो बुल्स हैं वो अपने उसमें रहेंगे, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि मार्केट्स के लिए चलने का तो कोई रीज़न है नहीं, ना FIIs की ओर से ना DIIs की ओर से कोई मीनिंगफुल खरीदारी के नंबर्स तो नहीं आते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर इकोनॉमी में दिक्कत आएगी तो जो बैंक्स हैं उन्हीं में आपको प्रेशर दिखेगा। SBI ऑलरेडी देखिए गिरावट दिखा चुका है हाई लेवल से, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। ICICI बैंक में
344 आपका लक्ष्य है, 359 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। HDFC बैंक के फ्यूचर्स में शॉर्ट करें तो आज 1055 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 1093 आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट कल के इस मार्केट को भी अगर अपने समझे तो आप देखिए PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स जो है फॉल में लीड करते हुए नजर आए थे, और जिस हिसाब से अभी WHO के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं डेफिनेटली वो काफ़ी निराशाजनक लग रहे हैं कोविड की वजह से। इनफैक्ट जो है US में अर्निंग्स भी आने वाली है काफ़ी सारे बैंकों की, तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन जो है हो सकता है कि खराब इंडिकेशन जो है आपको पहले से ही मार्केट आज फैक्टर इन करता हुआ दिखे। तो यहाँ पर आज देखिए आपने बैंक सुझाए, मैंने भी अपनी सूची में बैंकों को शामिल किया है, पर वो उसको उसकी जानकारी मैं आपको बाद में देता हूँ अगले सेगमेंट में। पर बहरहाल मेरे जो अगले दो स्टॉक्स हैं वो ऑटो स्पेस से हैं, ऑटो एंसिलरी स्पेस से हैं। इनफैक्ट अशोक लेलैंड जो है वो अगला नाम है, यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। आप देखिए जिस हिसाब से PV और टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉम्पिटिशन की ऑल्दो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि ये CV स्पेस में स्पेसिफिकली डील करता है, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं फिर से थमती हुई नजर आ सकती है कोविड की वजह से, और इसका जो इम्पैक्ट है आपको इनकी CV डिमांड पर आता हुआ नजर आएगा। तो अशोक लेलैंड मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में आपको इसको शॉर्ट करके चलना चाहिए, 49.5 का टारगेट रखना है, इसमें 52.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है भारत फोर्ज का, आप सरप्राइज होंगे क्योंकि कल मैंने आपको इसको खरीदारी की राय दी थी, आज मैं इसको बिकवाली की राय शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो US का एक्सपोजर भारत फोर्ज का काफी सिग्निफिकेंट है, 40% जो है इनका रेवेन्यू जो है US से ये डिराइव करते हैं, और जिस हिसाब से ये आंशिक लॉकडाउन लगना शुरू हुआ है अगले अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि हमें ये पता है कि 41 स्टेट्स जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसमें कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं 50 स्टेट्स में से, और यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है जिस हिसाब से फिर से लॉकडाउन की सख्ती बन रही है अलग अलग जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें, कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, और क्लासिक ट्रक्स के ऑर्डर जो है वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इनडायरेक्टली भारत फोर्ज पे आज जो है असर पड़ता हुआ दिख सकता है। इसको शॉर्ट कर चले 358 के टारगेट के लिए, 378 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बजाज फाइनेंस से पांचवा स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इसमें आपको बिकवाली करके चलनी है, आज के लिए जो टारगेट है वो 3150 का है, 3270 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट कुशल मैं अभी पढ़ रहा था कि कैलिफोर्निया में तो आंशिक लॉकडाउन की बात है, अभी हांगकांग में जो डिज्नीलैंड है वो भी दोबारा से बंद होगा क्योंकि कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बजाज फाइनेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, बजाज फाइनेंस मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रन अप स्टॉक में देखने को मिला, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह के फीलर्स हैं, जो न्यूज़ फ्लोस हैं, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो इकोनॉमी खुली भी है, जो अनलॉक हुआ भी है, उसके बाद भी जो डिमांड है, लोन्स की आप कीजिए या तो फिर ऑटो की बात कीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कीजिए, उनकी जो लोन्स हैं उसमें अगर आप देखिए तो एक तो बैंक्स बहुत ज़्यादा सतर्कता बरत रहे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं आती हुई दिख रही है लोन्स की जहाँ तक बात है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में 1800-1900 से लेकर जो 3300-3350 का रन अप हुआ है वो शायद थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बनता हुआ दिख सकता है बैंक्स के बनस्पत, इसलिए शॉर्ट करने की राय स्टॉक पर। बिल्कुल संदीप, तो चलिए पांचवा स्टॉक भी ऑटो स्पेस से ही है और टाटा मोटर्स के फ्यूचर शॉर्ट करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ADR कल देख रहा था इनका, ये भी 4% लुढ़कता हुआ नजर आया था दिन के दौरान, और यहाँ पर बिकवाली की राय इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि ये लग्जरी मार्केट स्पेस में है, और कहीं ना कहीं जब नॉर्मल जो बेसिक टू व्हीलर्स या पैसेंजर व्हीकल्स की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो लग्जरी कार मार्केट की कहीं ना कहीं वो डिमांड जो है वीकनेस की तरफ जो है इशारा कर रही है। तो टाटा मोटर्स इसके फ्यूचर्स बेच के चले 105 के टारगेट के लिए, 111 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, पहले 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं, सारे स्टॉक्स बिकवाली के हैं, जल्दी से आपको रिकैप करते हैं अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। चार प्राइवेट बैंक्स हैं, बंधन बैंक, RBL बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सब में आपको शॉर्ट करके चलना है, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए, US में कैलिफोर्निया जो सबसे बड़ी स्टेट है वहाँ पे आंशिक लॉकडाउन किया गया है, WHO की वार्निंग आई है, तो यही इंडिकेट कर रहे हैं इकोनॉमी में दिक्कत होगी तो बैंकों में प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, और NBFC साइड में बजाज फाइनेंस इसको भी शॉर्ट करें, 3150 का लक्ष्य आज के लिए। इकोनॉमी में दिक्कतों की वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सेटअप है वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है आज के लिए। इनफैक्ट जो उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स है उसको मैंने शॉर्ट किया है, जिसमें इंडिगो, PVR, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज और टाटा मोटर्स, ये पांच स्टॉक जो है आज के लिए आपको शॉर्ट करना।
ठीक है, तो अब जो बाकी बचे हुए 5 स्टॉक हैं कुशल, उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरे लिस्ट में जैसे मैंने कहा था 8 स्टॉक बिकवाली के हैं, तो पहले 3 नाम जो इस सेगमेंट में है उसमें M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स, पिरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर और SRF के फ्यूचर है। 3 ऐसे नाम है जहाँ पे बिकवाली करनी है। और जो पहले 2 नाम जो आपको NBFC नजर आएंगे, M&M फाइनेंस और पिरामल एंटरप्राइजेस, वो इसलिए कि M&M फाइनेंस, जैसे मैंने कहा कि ऑटो के जो अभी तक के आंकड़े आए हैं जो अनलॉक हुआ है उसके बाद से, आप देखिए जो ऑटो की जो डिमांड है, ऑटो लोन्स की माफ कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम होती हुई दिखी है। जो न्यूज़पेपर्स मैंने जिस तरह से देखे हैं, जिस तरह के फीलर्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए जितनी भी ऑटो फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनमें अगर आप देखें हाल फिलहाल रनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है जिस तरह के डिमांड को लेकर जो नंबर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और अगर दोबारा लॉकडाउन लगाया जाता है, कुछ स्टेट्स में तो ऑलरेडी है, अगर ये US में शुरुआत हुई है, बाकी देशों में ये फैलता है और मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, इकोनॉमी में फिर से दिक्कतें आती हैं, तो जाहिर सी बात है बैंक्स और NBFCs यही वो दिक्कत का तबका है जो कि सबसे पहले आपको सामने आता वो दिखेगा। और खुदा ना खास्ता अगर दिसंबर तक मॉनिटरिंग बढ़ गया तो इनकी इस पूरे स्पेस की अगर आप देखें जो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो M&M फाइनेंस में 196 आपका टारगेट है आज के लिए, 204 का स्टॉप लॉस रखें। पिरामल एंटरप्राइजेस, तो कल कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं हमारे चैनल पर जो कि इसकी वीकनेस को इंडिकेट कर ही रहे थे, मुझे लगता है आज 1400 का लेवल भी टूट जाएगा, 1385 आपका टारगेट होगा आज के लिए, 1436 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और SRF एक और ऐसा नाम है जो कि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा रन अप दिखा चुका है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अनवाइंडिंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है जिस तरह से मूड माहौल खराब हो रहा है। 3755 ये आपका टारगेट है, 3896 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो US में तो जो ट्रेंड दिख ही रहा है हमें, भारत में भी तो ये शुरू हो गया। इनफैक्ट UP में आप देखिए इन्होंने भी आंशिक लॉकडाउन लगाया है, साथ ही कर्नाटक में हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से फिर से लॉकडाउन काफ़ी सारी जगहों पर लग रहे हैं भारत में भी, उसका जो इम्पैक्ट है आपको तो तमाम बैंकिंग और NBFC शेयरों पर भी आता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए मैंने अपनी सूची में अगले जो स्टॉक्स शामिल किए हैं, नेक्स्ट 4 स्टॉक्स जो हैं वो NBFCs और बैंक से है, जिसमें पहला स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है जिस हिसाब से मैंने आपको तक बताए हैं, उससे कहीं ना कहीं इसमें मूड माहौल जो है नेगेटिव साइड पर आज ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो 670 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 708 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही चोलामंडलम फाइनेंस है, यहाँ पर भी आप देखिए बहुत ज्यादा गिरावट कल के सत्र में हमें नहीं देखने को मिली थी इसमें, तो मुझे लग रहा है कि कल की जो गिरावट है वो ड्यू इस स्टॉक में है, तो यहाँ पर भी बिकवाली करके चले। 198 के टारगेट के लिए 208 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही कल के सत्र में अगर आप देखें संदीप, तो PSU बैंक जो है फॉल को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो गिरावट है कहीं ना कहीं ड्यू है, बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिली है SBI फ्यूचर्स, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने की राय दी है। आपने प्राइवेट बैंकिंग स्पेस चुना है, मैंने आज PSU बैंक स्पेस चुना है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट करके चलना है 187 के टारगेट के लिए, और 197 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए आखिर 2 नाम जो मेरी लिस्ट में कुशल वो खरीदारी के हैं, BF यूटिलिटीज और BF इन्वेस्टमेंट, दोनों स्टॉक्स में आज आपको खरीदारी करके चलनी है। अब ये कहेंगे आपकी 8 स्टॉक बिकवाली के, तो ये 2 स्टॉक खरीदारी के क्यों हैं, ऐसा क्या हो गया? जी हाँ, बड़ा कुछ हुआ है इसलिए इनको खरीदारी के तौर पर आज शामिल किया गया है। RK दवानी साहब, जी हाँ, राधाकृष्ण दवानी जो कि राकेश झुंझुनवाला के भी गुरु माने जाते हैं, उन्होंने जून तिमाही में इस कंपनी में हिस्सा खरीदा है, करीब 25% के आसपास की हिस्सेदारी आप देखिए BF यूटिलिटीज़ में उनकी ओर से खरीदी गई है। भारत फोर्ज ग्रुप की, ये कल्याणी ग्रुप की कंपनियां हैं, तो पेरेंटेज को लेकर तो ऐसा कोई इशू नहीं है, फंडामेंटल्स बेहद मजबूत हैं उस लिहाज से देखा जाए तो। अब यहाँ पे राधाकृष्ण दमानी साहब का अगर नाम जुड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं किस तरह का यूफोरिया स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आपको याद ही होगा इंडिया सीमेंट्स में, स्पेंसर्स रिटेल में किस तरह का एक्शन उनकी ओर से देखने को मिला था जब उन्होंने स्टेक खरीदा था। तो BF यूटिलिटीज में आज अगर 20% ऊपर भी स्टॉक चला जाए तो कोई हैरानी नहीं, मैंने आपको 10% ऊपर का टारगेट दिया है 220 का। अगर ये फर्दर गेंस आपको अप्रोच करने हैं, अगर ये लेवल्स पार होते हैं तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें। 198 शुरुआती कारोबार के लिहाज से आपका स्टॉप लॉस है। और BF इन्वेस्टमेंट जो कि एक इन्वेस्टमेंट आम है इस पूरे ग्रुप की, इनका BF यूटिलिटीज में करीब 3% के आसपास का स्टेक है। मैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो जाहिर सी बात है सेंटिमेंटल इंपैक्ट या जो स्टेक है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका इंपैक्ट इस स्टॉक पर भी पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। 335 ये आपका टारगेट है, 303 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक आप सामने लेकर आए हैं BF यूटिलिटीज और BF इन्वेस्टमेंट के नाम से, और आप देखते हैं कि आज कैसा रिएक्शन इसमें देखने को मिलता है। तो बहरहाल मेरे जो अगले 2 स्टॉक है उसमें एक बिकवाली का बचा हुआ है और एक जो है एकमात्र खरीदारी का स्टॉक है, जिसमें अगला स्टॉक है PNB के फ्यूचर्स, यहाँ पर भी बेचकर चले SBI के साथ साथ, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आज फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो 33.5 का टारगेट इसमें बनाना है आपको, 35.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आखिरी स्टॉक है मेरी सूची
रांची में खरीदारी का एकमात्र स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पर इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इनके लिए काफी पॉजिटिविटी के संकेत जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हमें आज के लिए देखने को मिल सकते हैं, और मैंने इसीलिए इस स्टॉक को अपनी जो है खरीदारी की सूची में शामिल किया है। तो 435 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको परचेजिंग करनी है, पर 416 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए 20 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है, 17 स्टॉक पिकवाली के और 3 स्टॉक खरीदारी के हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट कर लीजिए कौन से स्टॉक है। आपको रीकैप कर देते हैं, मैंने आपको 8 स्टॉक पिकवाली के बताए थे, 2 खरीदारी के। शुरुआत मैंने 4 प्राइवेट बैंक के साथ करी है, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। इन चारों के फ्यूचर्स में आज आपको पिकवाली करके चलनी है। इकोनॉमी में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, अगर दिक्कत बढ़ती है तो इन बैंकों में प्रेशर आता हुआ दिखेगा। कैलिफोर्निया में कल एक आंशिक लॉकडाउन की बातचीत की गई है, डब्ल्यूएचओ की एक वार्निंग आई है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि वीकनेस हो सकती है, इसलिए शॉर्ट करके चले। बजाज फाइनेंस हाल फिलहाल हरना बहुत ज्यादा देखने को मिल चुका है, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो शॉर्ट करके चले, 3150 का लक्ष्य है। ऑटो फाइनेंसिंग को लेकर भी जो फीलर्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो एनबीएफसी को लेकर या ऑटो फाइनेंसिंग वाली कंपनियों पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। एमएनएम फाइनेंस में शॉर्ट करें आज के लिए। पिरामल एंटरप्राइजेस तो कई सारे एक्सपर्ट्स कल भी हाईलाइट कर रहे थे वीकनेस बढ़ रही है, 1400 का लेवल भी टूट सकता है। एसआरएफ भी हाल फिलहाल बहुत चला है, अब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, 3755 का लक्ष्य है आज के लिए। और 2 केवल खरीदारी के ट्रेड्स हैं, बीएफ यूटिलिटीज और बीएफ इन्वेस्टमेंट। बीएफ यूटिलिटीज में आके दवानी साहब ने हिस्सेदारी खरीदी है 7% के आसपास की जून तिमाही में, तो उसका इंपैक्ट ना केवल बीएफ यूटिलिटीज बल्कि बीएफ इन्वेस्टमेंट में भी आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैंने आपको 9 स्टॉक बिकवाली के और 1 स्टॉक खरीदारी का बताया है, जिसमें ग्लोबली जो मूड माहौल है उस हिसाब से लग रहा है कि काफी नेगेटिविटी आपको इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स में आ सकती है। उसी लिहाज से मैंने इंडिगो, पीवीआर, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज और टाटा मोटर्स, इन 5 स्टॉक्स में बिकवाली की राय है। इनफैक्ट भारत फोर्ज जो है इनका यूएस से 40% रेवेन्यू आता है, और जिस हिसाब से इम्पैक्ट कोविड का है वहां पर इस पर इम्पैक्ट आता हुआ आज साफ तौर पर नजर आ सकता है। साथ ही टाटा मोटर्स इसका एडीआर भी 3-4% तक लुढ़कता हुआ दिखा था। साथ ही एनबीएफसी और बैंक्स ये आज के सत्र में कमजोर हो सकते हैं, खासकर पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो। और मेरे अगली सूची जो है उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, शोला मंडलम फाइनेंस, इसको शॉर्ट करके चलना है। साथ ही एसबीआई और पीएनबी, इन दोनों स्टॉक्स में भी आपको बिकवाली करने की राय है। और एकमात्र खरीदारी का स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर डिमांड जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, तो 20 शेयर आपके सामने हैं, ज्यादा स्टॉक्स बिकवाली के हैं, और इसलिए है क्योंकि मूड माहौल बेहतर नहीं है। एसडीएक्स निफ्टी आप देखिए, अब 50 अंकों से ज्यादा की गिरावट है, 10750 के आसपास के लेवल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, इसी उम्मीद के साथ मुझे और कुशल को इजाजत दीजिए। फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।